वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं, काफ़ी लेट उठे हैं। वैसे काफ़ी सारी प्लेसेस विज़िट करनी थी आज, बट आई डोंट थिंक उसको सारी कवर हो पाएगी। तो वैसे तो मेरी मॉर्निंग काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेट मी शो यू दैट। इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हिल्स है, पालोलेम है, अदर ब्यूटीफुल। तो ये अपार्टमेंट है जो हमने रेंट किया है और काफ़ी ब्यूटीफुल इनसाइड। सो अभी तो मैं रेडी हो जाऊँगी एंड 10-15 मिनट में आनंद को पिक करते हुए फर्स्ट स्टॉप पे निकल पड़ूँगी। सो लेट्स सी कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग पालोलेम बीच पहुंच चुके हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको यहाँ पे रुकना है। यहाँ पे काफ़ी सारे कॉटेजेस भी है एंड आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू कॉस्ट इट टू मच बिकॉज यू आर गोइंग टू एंजॉय ब्यूटीफुल व्यू हियर। एंड अभी इंटरेस्टिंग बात, हम बीच छोड़ के थोड़ा अलग जगह पे जाके एंजॉय करने वाले हैं। हाँ। जहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं। यहाँ पे सामने ही एक मंकी आइलैंड है। अगर आपको मंकी आइलैंड देखना है तो कुछ ऐसा है। अभी हम लोगों ने स्विमिंग की है यहाँ पे। सो ये एरिया आप समझ लो कि वो पीछे पालोलेम बीच है और हम लोग पालोलेम बीच और मंकी आइलैंड के बीच में एक एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने स्विमिंग की है। एंड इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पे जस्ट मतलब बीच से बहुत ही स्टीप वाटर लगता है, तो आपको स्विमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहेगा। एंड काफ़ी ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन वाटर, इट्स रियली अमेजिंग। यस, अगर आप नॉर्थ गोवा से कंपेयर करते हो तो वहाँ पे ब्लैक सैंड दिखती है ज़्यादातर, बट यहाँ पे इतना क्लीन है, पूरा ब्लू वाटर दिखेगा आपको। यार हमारा गोप्रो के शॉट भी काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी दैट। यस एंड ऑल्सो मेन थिंग, यहाँ पे आप कैसे आओगे? यहाँ पे दिख रहे होगे पालोलेम बीच है, वहाँ से आप वॉक करते करते ईजिली आ सकते हैं। आप लोगों को देख रहे होंगे यहाँ पे वॉक करते करते आए। एंड इसकी खास बात ये कि वॉकिंग वाला जो पानी है वो सिर्फ मॉर्निंग में रहता है, पर जैसे जैसे आफ्टरनून होगी यहाँ पे पूरा पानी निकल जाएगा। अरे नॉर्मल बीच की तरह हो जाएगा, बट क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं है, तो कोविड-19 में काफ़ी सेफ और अच्छा लगा। पालोलेम हमारे लिए एक फुल पैकेज था एंड वी डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग देयर। एंड पालोलेम मोस्टली फेमस है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, सो पूरा बीच आपको कयाक से भरा हुआ दिखेगा। एंड ट्रस्ट मी, पालोलेम से चीप कयाक कहीं नहीं मिलेगी। एंड वी एंजॉयड अ लॉट देयर, बट शायद प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है कि वी मेड अ फ्रेंड देयर। हिज नेम वाज गंगेश। गंगेश ने भी बहुत हेल्प की पालोलेम को एक्सप्लोर करने के लिए। सो हमने कयाक भी गंगेश से ही ली। ही ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट बायोल्यूमिनेसेंस जो कि पालोलेम एंड अगोंडा बीच में होता है इस सीज़न में। सो हमको बहुत ही चीप रेट पड़ा, बट क्योंकि वो हमारे फ्रेंड भी हो गया था शायद इसलिए चीप दिया हो। बट वहाँ पे सिंगल कयाक, डबल कयाक, वी डिड एवरीथिंग। बट बेस्ट पार्ट वहाँ पे कयाकिंग का ये था कि वी डिड कयाकिंग इन अरेबियन सी। देन वी ऑल्सो डिड ईगल फीडिंग। जो अगेन हमने एक नई फ्रेंड बनाए थे मिस्टर बिग। सो उन्होंने हम लोगों को ईगल फीडिंग कराई जो कि एक पैसेज से, एक लगून में ईगल फीडिंग करते हैं। सो हमने उनकी बोट पे गए एंड वो ही चिकन लेके आए थे जो कि हम लोग ईगल्स को डाल रहे थे। अभी हम एक अमेजिंग चीज़ करने वाले जो आज तक मैंने कभी नहीं किया है। तो यहाँ पे एक शार्क की शेप में एक रॉक है जो वर्टिकली खड़ा है एंड उसका जो पेंट है वो निकल चुका है एंड हम उसे रिपेंट करने वाले हैं। सो इतने बड़े हम आर्टिस्ट नहीं है बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट फॉर ऑल टूरिस्ट हु इज गोइंग टू विजिट हियर। तो हमने बहुत बार देखा है कि मंकी आइलैंड, आप पालोलेम से मंकी आइलैंड जाते हो तो आपको बीच में एक शार्क मिलती है जो कि बहुत ही फेड हो चुकी है क्योंकि बहुत सारी वेव्स आती हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि अपनी तरफ से कुछ करते हैं यहाँ पे, जिससे हम लोगों का कुछ तो छाप छूट जाएगी। तो वहाँ पे हम लोग शार्क को रीपेंट कर रहे हैं, बहुत ही डार्क। तो अगली बार कभी आएंगे तो हमेशा शार्क दिखेगी। सो एंड आपको बाकी वीडियोज़ में भी हर जगह दिखेगी। सो पालोलेम हमें इतना पसंद आ गया था कि वी थॉट वी हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर पालोलेम, जिससे हम पालोलेम को हमेशा याद रखें एंड पालोलेम भी हमें हमेशा याद रखें। सो अभी हम लोग इस शार्क को वापस रीपेंट कर रहे हैं जो कि पहले से किसी ने पेंट की हुई है बट बहुत ज़्यादा फेडेड है। तो पहले अभी वेज नॉर्मल डिज़ाइन बना रही है, चंदू उसको आइडिया में हेल्प कर रहा है कि दिखती कैसी है शार्क, एंड मैं ये पेंट मिक्स करूँगा। तो एक जेलो ब्रिटिश पेंट लिया है हमने वाइट, एंड एक थिनर लिया है एंड एक मिक्सिंग बकेट। आइडिया मेरा था कि ड्रॉ करना है, तो काउंटर लाइन सबने साथ में की है। टीथ आनंद ने मैंने बनाए और ऊपर की दोनों आइज चंदू और मिश्रा ने बनाई है। इट्स क्वाइट अमेजिंग। उन्हें पर चैनल का नाम ही लिखा हुआ है। इफ़ यू विजिटिंग दिस प्लेस प्लीज टेक अ पिक्चर एंड टैग अस @trip.diaries ऑन इंस्टाग्राम। आपका एंड हमारा साथ यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रिप डायरीज़। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आपका कोई भी फ्रेंड गोवा विज़िट करने वाला है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम एंड इन योर फ्रेंड सर्कल।